श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान और साबका मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने जिला पटियाला की अनाज मंडी का दौरा किया और सरकारी प्रबंधकों की पोल खोलदिया कहा कि सीएम सिटी की मंडी और जिले दिया मंडिया के विच बारदाना ना पुजन कारण वख-वख थावां ते किसानां वल्लों लगाए जा रहे धरने इस गल की गवाही भरदे ने कि सरकार किसानां प्रति गंभीर नहीं है। सरदार रखड़ा ने अनाज मंडी विच पुज के मौजूदा स्थिति का जायजा लैंदिया कहा कि कोरोना का बहाना लगा के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सरकारी बंगले विचों बाहर नहीं आ रहे। उत्थे जिले के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर बैठने को तरजीह दिंदे ने और एक दिन भी किसी भी मंडी के विच स्थिति वेखन नहीं पुजे। रखड़ा ने कहा कि अज हर वर्ग कैप्टन सरकार की कारगुजारी लैके वड्डे सवाल खड़े कर रहा है। उत्थे कांग्रेस के खुद मंत्री भी कांग्रेस सरकार के कामों की पोल खोल रहे हैं। सवाल का जवाब देंदिया रखड़ा ने कहा कि सिद्धू जोड़े वालों सीएम सिटी विच पुज के अपनी ही सरकार खिलाफ वड्डे सवाल खड़ा करना यह मांग करता है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सवालों के जवाब देन अते हुन लोग 5 साल की कारगुजारी का जवाब मांग रहे ने। पंजाब मंग दा जवाब चौथा आ है गुटका साहब और वो इतो 30 किलोमीटर दूर दमदमा साहब। मैं ये दमदमा साहब वाल गुटका साहब नु चक के सौ खाने आज के पहली गल ये जो नशे का कम है जो आम आदमी कहने 4 महीने आज मैं खत्म कर दूं मैं ये 4 हफ्तों के अंदर लक तोड़ के छोड़ूंगा। की होया नशा खत्म पंजाब मंग दा जवाब देखो आज पटियाले मंडी च आया मंडिया का सारा ही बहुत माड़ा हाल है। सेंटर का बहुत माड़ा हाल है। ये हेडक्वार्टर है सारिया मंडिया का पटियाला सब तो बड़ी मंडी है। बारदाने की प्रॉब्लम है एक दस दिन ये परचेज लेट शुरू हुई है पर तुम देख रहे हो कि ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है किडिया किडिया बोरिया ढेर लगे पे ने कोई चकन वाला है नहीं पेमेंट की प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ने जिते कितने धरना लग जाता है जिते ट्रैफिक जाम हो जाती है उत्थे बारदाना भेज देते हैं जिते कोई नहीं शाफ्ट ना आते हैं उत्थे ब्लॉक डीकी जाते हैं लोग सिफारश ला आते हैं कि जी DM नू कहो जी MD नू कहो जी कि साडा तां जी बारदाना मिल नहीं रहा जी सारा कुछ सिफारश ही हो रहा इत्थे जे कह दो तो बारदाना आ जाता नहीं आता ना सी कोई सरकार का कोई सिस्टम है नहीं। आज जिहड़ा पटियाला है ये हैडक्वार्टर है इत्थे मंडीकरण बोर्ड के चेयरमैन साहब इत्थे रहिंदे ने साडे मंत्री साहब इत्थे रहिंदे ने चीफ मिनिस्टर साहब इत्थे रहिंदे ने सो अद्धी सरकार पटियाले दी है जे पटियाले च ये हाल है बाकी आपां की सोचदे कि मोगे कन्नी की होगा अमृतसर कन्नी की होगा बाकी मंडियां च की हाल होगा। रखड़ा साहब कणक आउण तों पहलां कहा गया सीगा वी मंडियां च किसानां नूं 12 घंटे जां 24 घंटे च फार कर दित्ता जाऊगा ते उरे लगदा तुहानूं कोई इहो जिहा मैं तुहानूं बेनती करदा किसानां नूं पुछ के देखो 10-10 दिन दे बैठे ने 12 घंटे दी जाए 12 दिन दी गल आ गई जी इह तां मतलब आह गल ठीक है सेठ साहब दी एक घंटियां नूं दिनां च कन्वर्ट करता इहनां ने पेमेंट होई नहीं रही हाल तक किसी दी ढेला वी पैसा नहीं आया किसी दे अकाउंट च नहीं आया। सरकार नूं यही बेनती करना भी थोड़ी तवज्जो दिओ आओ लोगों ने चुनिया है लोगों ने सरकार बनाई है तो लोगों मुश्किलों नूं सुनो इत्थे बारदाना भेजो परचेज करो तो ट्रांसपोर्ट के राही इहनूं ओह करो जिहड़ा आपां कह रहे हां कि FC घट जांदी है FC घट जाण दा कारण की है कणक भी खराब हो जाती है जीरी भी खराब हो जाती है सांभ संभाल है ही नहीं इहनां कोल जे सांभ संभाल दी कर लैण तां इक दाणा भी खराब नहीं हुंदा असीं भी घरां दे विच रखदे हां साडा इक दाणा नहीं खराब हुंदा इहनां दा क्यों खराब हुंदा सरकार कोल तां सिस्टम वध हुंदा वड्डा हुंदा सो एक ये जानबूझ के कर रहे हैं जिहड़ा पिछे तुसी देख रहे हो भी 6 महीनों तो बार्डरां ते किसान बैठे है मैं समझदा भी जिहड़े कानूनों नूं रद्द कराउण लई ओह बैठे ने ओह कानूनों दी जिहड़ा पहले स्टेज दे विच पहली फेज दे विच लागू होना सी ओह भावें सेंटर सरकार दे दबाअ हेठ ला लो जिहड़ी अपनी स्टेट दी गवर्नमेंट है इस टाइम मौजूदा सरकार है इन्हां ने फेज़ बाय फेज़ उहनूं इक तरह दा ये समझ लो भी लागू करना शुरू करता इहदे विचों आढ़तियां नूं अज बाईपास करिया एक जिहड़ा नाता रिश्ता बहुत पुराना आढ़ती का और किसान का बनया हुआ सी अज टुट चुका है क्योंकि इन्हों सारे कहता भी थोड़ी पेमेंट किसानों की जिहड़े थोड़े सीधे खाते च आओ जे किसान इन्हों को आके मंगता है भी सानू माड़े मोटे पैसे चाहिए ने साडे रोज़मर्रा जिंदगी वास्ते तो यह भी बेचारे इन्हों के हाथ खड़े है ये कहते जी पेमेंट है तो सीधी थोड़े हाथ होनी पुछते पेमेंट आनी कदों है ना उस चीज़ का रिप्लाई दे सकते भी कदों आनी है सरकार हूँ कि बंदा जाके पुछे इन्हां दे मंत्रियों नूं इन्हां दे MLA नूं भाई कदों साडी पेमेंट आनी है सो मैं समझदा भी जिहड़े कानून रद्द कराउण लई साडे सारे किसान भरा बार्डरां दे बैठे ने उहनां दे विचों इह पहला फेज़ दे विच जिहड़ी मैं समझदा उहनां नूं लागू करन दे लई जां पहली चीज़ है जिहड़ी पहला असर उहदा आपां नूं देखण नूं इस वारी सीज़न 'च मिल रिहा जिहड़ा
इन्हां ने पेमेंटां डायरैक्ट करतियां ते बारदाने दी सप्लाई पिछों नहीं आ रही, कणकां चक्कियां नहीं जा रही। इस तरीके दे हर रोज़ ये संघर्ष है जिहड़े किसानां वास्ते वधदे रहने हैं। और ये जिहड़ा मोर्चा कल्ले किसानां दा नहीं, इहदे नाल साडा जिमीदार भाई कल्ला नहीं, इहदे नाल साडे वपारी भी, इहदे नाल साडे आड़ती भी, ये साढ़े जोड़े होर करेंदे ने जो इतने काम कर करते हैं या जो खेतों के मजदूर ने, सारे उत्ते बहुत असर यदा माड़ा पैन वाला आने समय। उत्थे यूथ अकाली दल के कौमी बुलारे सरदार अमित सिंह राठी ने कहा कि पंजाब सरकार अज हर फ्रंट से फेल हो चुकी है। जिहड़ी सरकार मंडियां विच पुख्ता प्रबंध के दावे कर रही थी, अज उस सरकार कोलों मंडियां दे विच बारदाना भी पूरा नहीं हो रहा। अते नाल ही उन्होंने कहा कि जेकर मुख्यमंत्री दे अपने शहर दीआं मंडियां दा यह हाल है तो पंजाब दीआं बाकी मंडियां दा रब ही राखा होवेगा। देखो अज जी कैप्टन सरकार कह के आए थे चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार, उन्होंने अकाली दल हर जगह पर घेर रहा अज कह के भी पंजाब मंगता है जवाब। वो तहत अज जो कैप्टन सर कहता कि 72 घंटे च असी लिफ्टिंग करा देंगे, अज 72 साल का इतिहास कलंकित करता इस सीएमशिप के सीएमशिप के कि अज पंजाब का एक एक मोटिव रह गया सरकार का कि मुड़ के तो ताकत च आना नहीं, शक्ति आना नहीं है, तो लुटांगे तो नाले कुटांगे, शराब बेचण तो रेता बेचण दे जोर दे रखा, मंडिया का तो अंबार लग्या पे हाल देख रहे हो। अज जिते भी कितने कोई धरना ला आता तो नाल दिन बारदाना प्रगट हो जाता, नाल दिन सरकार के अफसर आ जाते हैं, तो जे कि किसान अपनी उन्हां दी गल्लां ते विश्वास करके बह जाता है कि सरकार लिफ्टिंग कराऊगी जां सरकार साडी सुनूगी, तो उन्हां मंडिया का बहुत बुरा हाल है। वो तहत अब साडे जिला प्रधान रखड़ा साहब, साडे हलका इंचार्ज खटड़ा साहब, सारी अकाली दल की टीम पहुंची है इत्थे ताकि सुती सरकार नूं जगाया जा सके। तो जो अज गऊ गरीब खतरे च आई है, किसान तो ज़्यादा कोई मोहताज अज है नहीं हिंदुस्तान के, पंजाब का किसान तो दूरी मार झल रहा है केंद्र की सेंटर की, वो अज इतने सारे इकट्ठे होकर आए हैं तो असी जवाब मंगना है केंद्र पंजाब सरकार। पटियाला तो अमनदीप सिंह की रिपोर्ट। वधेरे खबरां लई तुसीं वेखते रहो अजीत वैब टीवी। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।